हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड में मैं बताने वाली हूँ मैंने अपना ऑस्ट्रेलिया में ड्रीम होम कैसे मैनिफेस्ट किया, हाउ आई मैनिफेस्टेड माय ड्रीम होम इन ऑस्ट्रेलिया। जबकि मुझे आए हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और 2 साल के अंदर ही मैंने अपना अमेजिंग सा घर मैनिफेस्ट कर लिया है। बट वो मैं कैसे की स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, थोड़ी सी बैक हिस्ट्री भी बताऊंगी और पैसा का इंतजाम कैसे हुआ सब कुछ बताऊंगी। बट उन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज है, जो लोग मुझे अभी ईमेल कर रहे हैं कि जिन्होंने मास्टर क्लास ज्वाइन की थी, और वो ज़्यादा नहीं 6-7 लोग मुझे ईमेल कर रहे हैं कि ये वाला प्रोसेस कर दूँ या ये प्रोसेस छोड़ दूँ या ये प्रोसेस 1-2 दिन छोड़ दूँ, या प्लीज ये सारी प्रोसेसेस मैंने आप लोगों को इसके लिए बताई है क्योंकि सारे प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, और जो भी एक्सेप्शन हो सकता था मैंने क्लासेस में बता दिया है आप लोगों को। तो अगर अपनी लाइफ बदलनी है, अगर आप अपने प्रेजेंट रियलिटी में खुश नहीं हैं और मैंने जो किया है उसको ट्राई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कुछ भी स्किप मत कीजिए। किसी रीज़न से मैंने उसको आपको बताया है और कुछ ना कुछ उसमें बेनिफिट छुपी हुई है इसके लिए बताया है, और कोई बहुत मेजर स्टेप्स नहीं बताए हैं। और अगर आप अपने आप को 15 से 20 मिनट भी दिन में टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो लाइफ बदलने की कैसे सोच रहे हैं, जरा सोचिएगा। तो प्लीज़ पूरी ईमानदारी से कीजिए क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है जो मैंने मास्टर क्लास में बताया है। तो मुझे ये ईमेल्स मत कीजिए, मैं जवाब नहीं दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग ईमेल कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने ईमेल किया था कि पर्सनल सेशन कैसे ज्वाइन करूंगी। तो ये मैं वीडियो के एंड में एक छोटा सा स्क्रीनशॉट डालूंगी कि कैसे बुकिंग होती है मेरे वेबसाइट पे पर्सनल सेशन की, तो आप एंड में जाके देख सकती हैं कि पर्सनल सेशन कैसे बुक करते हैं। चलिए इनफ बातें हो गई, अब मैं शुरू करने वाली हूँ हाउ आई मैनिफेस्टेड माय ड्रीम होम इन ऑस्ट्रेलिया। 2 ही साल हुए थे मुझे, मैं 2019 के अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, और आज मेरा अपना घर है, मैंने खरीद लिया है, वो भी 2021 में ही खरीद लिया था। 2021 में मैंने दिसंबर के महीने में अपना ड्रीम होम खरीद लिया था, और बहुत ही अमेजिंग सा प्रोसेस था क्योंकि आप लोगों को पता है जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी तो मेरे पास कोई बहुत जमा पूंजी मैं इंडिया से लेके नहीं आई थी, बहुत कम पैसे में आई थी यार सेटल होने के लिए, और फिर भी मेरे पास अपने घर खरीदने के पैसे जुड़ गए। अब वो कैसे जुड़े वो मैं बताऊंगी, बट पहले मैं बताती हूँ यहाँ इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का सफर और क्यों अलाइनमेंट में रहना इतना इम्पोर्टेंट है प्रोसेस करने से। ये सारी चीजें आज मैं डिकोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। जिनको घर नहीं भी मैनिफेस्ट करना है, कुछ और चीजें मैनिफेस्ट करनी है, वो भी ये अगर वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ उनको क्लू मिल जाएगा कि मैनिफेस्टेशन आखिर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो मैं इंडिया में अब्राहम को फॉलो करती थी, चक्रास करती थी, अपनी जो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को की जर्नी है वो मैं शुरू कर चुकी थी। करीब साल भर बाद मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हो गया, 6 महीने बाद ही दिखना शुरू हो गया था, लेकिन प्रोसेस को कंप्लीट होते PR कंप्लीट होते साल भर लग गया। उसके साल भर बाद मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले तक मैं अलाइनमेंट में थी, बिल्कुल मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी, संतुष्ट रहती थी जहां पे भी हूं। कोई बुरा समय आता था तो घबराती नहीं थी कि बुरा समय आ गया है, इस विश्वास के साथ उस समय को भी काटती थी कि ये सिर्फ एक फेज है और मेरा अच्छा समय आने वाला है। और आसपास के कंडीशन, आसपास के इंसान को ब्लेम करना मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैं आई ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए, जब आप अलाइनमेंट में रहते हैं तो आपका हर एक स्टेप हमेशा अच्छा होता है। जब हम इस शहर में आए तो हमें इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल नया शहर था, और हमें ये भी नहीं पता था कौन सा सबब बहुत अच्छा है कौन सा सबब बहुत खराब है। हमने ऐसे ही रैंडमली एक एयरबीएनबी बुक किया था जिसका बहुत सस्ता था चार्ज, हमें पता भी नहीं था कि क्या है वो सबब की रेटिंग क्या नहीं है, हमने ऐसे ही बुक कर लिया उसे।
अब यहाँ क्या हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, एक ऑस्ट्रेलियन जिसका जिसने रिसेंटली सेपरेट हुआ थे अपने वाइफ के साथ, और उनकी वाइफ जो थी वो उन्होंने उनका पूरा अकाउंटिंग का बिजनेस अपने अंडर ले लिया था, तो वो जो ऑस्ट्रेलियन थे डेविड, उनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं बचा था क्योंकि वाइफ ने पूरा उन दोनों ने मिल के जो बिजनेस शुरू किया था वो वाइफ ने ले लिया था, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और वो वापस नौकरी पे जाना नहीं चाहते थे, करीब 55 की एज थी उनकी। तो डेविड को किसी ने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं तुम एयरबीएनबी खोलते हो, क्योंकि उनके पास एक बहुत प्यारा सा घर था बीच के पास में। तो डेविड ने तभी नया नया ही एयरबीएनबी खोला था, और इसके लिए उन्होंने रेट्स बहुत कम रखी थी क्योंकि उनको एयरबीएनबी चलाना था जिससे उनकी आजीविका चलती, जिससे वो अपने घर के ईएमआईस पे कर सकते थे, क्योंकि एक ही घर उनके पास बचा था, बाकी घर और बिजनेस उनकी वाइफ सेपरेट होने के टाइम में ले ली थी। अब उसके पीछे रीजन क्या है मैंने कभी पूछा नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं। तो उन्होंने एक बीएनबी खोला था, बहुत अमेजिंग सा बीएनबी था, और यहाँ के बेस्ट सबर्ब में से एक सबर्ब है ये, जिस जो बॉम्बे में रहते हैं वो जान जैसे जुहू बैंड्रा है वैसा सबर्ब ये था, मुझे नहीं पता था। जब हम यहाँ लैंड किए, जब हम उस एयरबीएनबी पे गए वहां रहने लगे थोड़े दिन, तब हमें पता चला कि ये यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट सबर्ब है, जो हमें पता भी नहीं था, हमने तो सस्ता देख के बुक कर लिया था, बट देखिए सस्ते में बेस्ट सबर्ब में हमें मतलब चूंकि हम अलाइंट थे तो बेस्ट सबर्ब में हमें मिल गया एयरबीएनबी, और अपने बजट में मिल गया क्योंकि मेरे पास उतने ही पैसे थे। उसके बाद जब हम निकलते थे बीएनबी से शाम में बाहर वॉक करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे कितना अच्छा होगा ना अगर यहाँ पे हमें कोई किराए का मकान मिल जाए, क्योंकि तभी तो किराए का मकान ढूंढना था, और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी दिक्कत है क्योंकि आपके पास अगर रेंटल हिस्ट्री नहीं है तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ता है, या फिर किसी के साथ ऑलरेडी जिनके जिन रेंट में है इंडियन लोग जो रहते हैं उनके साथ घर शेयर करके रहिए, जो हमें करना नहीं था, या फिर नॉर्दर्न साइड में जाके रहिए सिटी के जहाँ पे मुझे जाना नहीं था क्योंकि ये एरिया बहुत पसंद आ गया था। और हुआ ये कि हम बहुत घर देखे, 15 दिन हमने बहुत घर देखी, बट चूंकि रेंटल हिस्ट्री थी नहीं तो हमारे पास कोई भी अच्छा घर जो होता है वो मिल नहीं पाया। एक दिन हम वॉक करके जा रहे थे और एक रियल स्टेट एजेंट की ऑफिस दिखी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो यहाँ के ऑफिस के बाहर कुछ फोटोज लगे हुए हैं तो देखते हैं यहाँ पे उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट डाला है। और उस एड में जिस सबर्ब में हम रह रहे थे उसी सबर्ब की एक छोटे से घर की एड आई हुई थी, और हमने वो एड देखा और उनको कॉल किया। ओपन हाउस थी, ओपन हाउस में कोई भी नहीं आया क्योंकि ये जो था बहुत महंगा सबर्ब था और घर बहुत छोटा था, तो जो अमीर लोग थे उनके हिसाब का घर था नहीं, तो कोई आया ही नहीं चूंकि हम ही आए थे, तो उन लोगों ने हमें कंसिडर किया। अब चूंकि डेविड के साथ हम एयरबीएनबी शेयर कर रहे थे, अपने घर में रह रहे थे, तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनको इंडियन खाना बहुत पसंद था, तो जब हमें उन्होंने डेविड ने बोला कि क्यों नहीं तुम मेरा रेफरेंस दे देते हो क्योंकि तुम्हारे पास रेफरेंस है नहीं और तुम्हें लोगों को दिक्कत होगी ऑस्ट्रेलिया में घर ढूंढने में, तो हमने डेविड का रेफरेंस दे दिया और फिर उन्होंने फ़ोन किया, और इस तरीके से तो हमें पहला किराया का घर मिला। अब चूंकि घर बहुत छोटा था तो रेंट बहुत कम था, जो जनरली इंडियंस यहाँ नॉर्मल जो यहाँ के रेंटल है उससे हम ऑलमोस्ट बहुत कम रेंट दे रहे थे, जिसके कारण हमारे पैसे काफ़ी बच रहे थे, और जॉब तो लग ही चुकी थी, मेरी भी लग गई थी, हस्बैंड की भी थी, तो हम जॉब कर ही रहे थे, और इस तरीके से हमारी गाड़ी चली रेंटल हिस्ट्री में रहने के बाद। अब हमें चाहिए था घर, क्योंकि हमें तो घर बहुत छोटा था, तो किसी को फ्रेंड्स तो बन गए थे, फ्रेंड्स को बुलाने में शर्म आए, लगता था घर बहुत छोटा है क्या सोचेंगे ना ऐसे घर में बुला रहे। फिर मैंने सोचा यार मैं लिख भी दी थी वो कि आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पास एक बहुत अच्छा सा घर है, ड्रीम हाउस है। एक बार किसी ने मुझे बोला था तो मैंने विजन बोर्ड के हिसाब से कुछ कटिंग काट के चिपका भी दिया था, बट जब भी मैं उसको देखती थी तो मुझे लगता था आया नहीं है घर, घर तो मिला नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ देखती थी, पढ़ती थी तो लगता था घर कहाँ से होगा, और फिर अपने घर की तरफ देखती थी तो लगता था कितना छोटा घर है। सोचा था ऑस्ट्रेलिया के घर तो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, बट कैसे छोटे से घर में हम रह रहे हैं।
क्योंकि मैं बहुत ग्रेटफुल थी क्योंकि वो बेस्ट सबर्ब था, तो उसके कारण मेरी बेटी जो थी उस सबर्ब के बेस्ट स्कूल में, यहाँ के जो नंबर वन और टू रैंक के स्कूल है उसमें उसका एडमिशन हो गया था, जस्ट बिकॉज घर ऐसे सबर्ब में था. लेकिन घर तो था बहुत छोटा, तो क्या करती. लेकिन मैं अब साल भर तो ऐसे ही निकल गया, साल भर तो ये सब ध्यान है, साल भर बाद ये सब ध्यान आ रहा था कि हर छोटा है, दोस्त बन चुके हैं, लोगों को घर पे नहीं बुलाना है. फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैं इस घर को हमेशा नेगेटिविटी दूंगी तो मेरा घर कभी नहीं आएगा. और वहीं पे देखिए, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होता है लेकिन लोग करेक्शन नहीं करते हैं. यहाँ पे करेक्शन मैंने किया कि अगर मुझे इस घर से अच्छा घर चाहिए तो मुझे अपने प्रेजेंट घर को नेगेटिविटी नहीं देनी है. बट घर छोटा था, इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकती थी. बट फ्रेंड्स को बुलाने के लिए क्या कर सकती थी, उस घर को बेटर कर सकती थी. होता क्या है कि जब आप किराए के घर में रहते हैं तो सोचते हैं कि यार अपना घर होगा तो अच्छा सजाएंगे, अपना घर होगा तो अच्छा सोफा लाएंगे. तो इसके कारण क्या होता है, उसी घर में रह जाते हैं, उस घर को भी नहीं ढंग से रख पाते क्योंकि सुंदर दिखता ही नहीं है घर, तो आपको क्या पॉजिटिविटी दे पाओगे ना उस घर को आप. तो मैंने क्या किया, अपने हस्बैंड से बात की, मैंने कहा देखो घर मुझे पॉजिटिविटी देनी है क्योंकि ये घर बहुत लकी रहा है, जिस दिन आए हैं उसी दिन मेरी जॉब लग गई थी, मतलब आने के कुछ 15 दिन बाद मेरी जॉब लगी, तो घर में रहने पे भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती थी मुझे. तो मैंने कहा कि घर को सुंदर करती हूँ ताकि मैं जो नेगेटिविटी दे रही हूँ इस घर को, क्योंकि मुझे छोटा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अपने फ्रेंड्स को कैसे बुलाऊंगी इस घर में, वो बंद हो जानी चाहिए. और फिर मैंने घर को थोड़ा सा रेनोवेट किया, जैसे बेटर फर्नीचर्स डाले, जो पुराने फर्नीचर्स थे सबको हटा दिए, बेटर फर्नीचर्स डाले, पूरे घर हॉल को बहुत अच्छे से सजाया, पूरा जब मेरा लिविंग रूम अच्छे से ठीक हो गया, उसके बाद मैंने कहा कि अब मुझे भ्रम तोड़ना है कि मेरे फ्रेंड्स कैसे आएंगे, उनका तो उनके पास तो मतलब काफ़ी बड़ा बड़ा घर है और दे आर लाइक वेरी रिच. मैंने सबको बुलाया और सब आए और सब ने हमारे यहाँ पार्टी की और सब बहुत इंजॉय किया, और किसी ने कभी मेंशन भी नहीं किया घर के बारे में कि घर छोटा है, क्योंकि यहाँ मैटर ही नहीं करता ये सारी चीजें. और फिर क्या हुआ, हमारे घर गेस्ट आने लग गए, उस घर को लेके मैं पॉजिटिव हो गई. वो सब जो लिखा विखा था वो सब तो मैंने कप का फाड़ के फेंक दिया था और वो सब मिटा दिया था, क्योंकि जब तक आप यहाँ से चेंजेस नहीं कीजिएगा वो लिखा रहने से कुछ नहीं होता है. उसके बाद मैंने एक दिन तब तक बीच में छोटे छोटे बाकी मैनिफेस्टेशन करती थी, जैसे जॉब चाहिए तो घर साइड हो गया, फिर दूसरा जॉब चाहिए तो फिर वो घर साइड हो गया, फिर कुछ और चाहिए तो कभी मैंने कभी मुझे सनग्लासेस का बहुत शौक है तो मुझे कभी अच्छी महंगे ब्रांड की सनग्लासेस चाहिए तो वो मैनिफेस्ट करने लगती थी, तो कभी प्राडा के सनग्लासेस आ जाते थे, तो ऐसी चीजें मैनिफेस्ट करती थी बीच बीच में, तो घर साइड हो जाता था. फिर क्या हुआ, यूनिवर्स पुश करता है कि भाई तुम डिजायर से हट रही हो, तुम्हें घर चाहिए था और तुम खुद ही इधर उधर हो रही हो, अब चूंकि फ्रेंड्स आ गए एंजॉय करने लगी, घर मैटर ही नहीं कर रहा था. अचानक से एक दिन मुझे रात को सपना आया एक बहुत खूबसूरत से घर का, कि मैं वहां पे घूम रही हूँ. और दूसरे दिन सुबह उठी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि उन्होंने भी एक सपना देखा है कि हम लोग बहुत अच्छे से घर पे. मैंने कहा सेम घर का सपना मैंने भी देखा, तुमने भी देखा, जरूर इसके पीछे कुछ रीजन है. और फिर दो तीन दिन बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि संडे को ओपन हाउसेज है, चलोगी. मैंने कहा अभी तो पैसे हुए नहीं है मेरे पास जमात ने कि हम घर खरीद सके. बोले जाने में क्या जाता है, देखते हैं कि कैसा घर होता है यहाँ पे, कैसे मिलता है. और वहां से हमने घर देखना शुरू कर दिया. पैसे नहीं आए थे अकाउंट में, पैसे बिल्कुल भी नहीं आए थे अकाउंट में, बट घर देखना शुरू कर दिया, घर देखना शुरू कर दिया. मैं अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखती हूँ, कभी नहीं ब्रेक करती हूँ. मैं अपना चक्रा वर्क कंटिन्यू रखती हूँ, कभी नहीं ब्रेक करती हूँ. और मैंने घर देखना शुरू कर दिया, कोई भी प्रोसेस नहीं किए, सिर्फ अपने घर को जो नेगेटिविटी दे रही थी वो बंद कर दी, घर के रेनोवेशन की, और फिर बाहर जाके ओपन हाउसेस में घर देखना शुरू किया. घर देखना जब शुरू किया तो फिर कोविड के कारण ऑस्ट्रेलिया में जो हाउस प्राइसेस थे बहुत ज्यादा भाग गए, तो कभी भी ओपन हाउस होती थी तो बाहर 25-30 लोगों की लंबी लाइन होती थी और उसके बाद आपको घर देखने मिलता था. तो तभी तो फन के लिए जाते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, खूब मजे कर रहे हैं. उसके बाद क्या हुआ, एक जॉब चेंज हुई, दूसरी जॉब चेंज हुई,
तो शायद यहाँ पे जॉब चेंज होती है तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ गया क्योंकि मैंने एनुअल लीव यूज नहीं की थी, फिर टैक्स रिटर्न आ गया और धीरे धीरे मैंने देखा कि चूंकि मैं ओपन हाउसेस में जा रही हूँ और घर को बार बार देख रही हूँ तो बैंक में मेरे पास उतने पैसे आ गए जिससे मैं एक घर खरीद सकती थी। और मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, घर खरीद सकते हैं हम, और जॉब भी हमारी बैंक में ही थी तो लोन का इशू ही नहीं था हमारे पास। फिर हम घर खरीदने के लिए जाने लग गए। अब यहाँ पे सीखिएगा, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट सी बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अब घर के खरीदने के पैसे हुए, बट जिस सबब में रहती हूँ मैं, इस सबब के घर खरीदने के पैसे नहीं हुए थे हमारे पास। हम क्या कर रहे थे, इस सबब से 20 मिनट दूर जो दूसरे सबब्स थे जहाँ अफोर्डेबल थे, जहाँ पे अच्छे घर मिल जाते, वहाँ पे ले रहे थे। और हम बात करते थे 20 मिनट या 15 मिनट दूर है तो हम बच्ची को इसी स्कूल में पिक एंड ड्रॉप कर दिया करेंगे। और खुद को समझा के हमने घर देखना शुरू कर दिया जो आसपास के दो चार अच्छे सबब थे, इस सबब में नहीं खरीद सकते थे तो आसपास के छोटे छोटे सबब जो थे वहाँ पे देखने लगे। वहाँ जाते थे ओपन हाउसेज में, पैसे आ ही चुके थे, पता नहीं कैसे हुआ पैसा, मतलब एक जॉब छोड़ा दूसरा जॉब छोड़ा और टैक्स के पैसे आए और जो सैलरी जमा कर रही थी वो भी था, बट अचानक से देखा मैंने मेरे हमारे पैसे आ गए। कैसे जमा होता नहीं पता, उस दिन शायद सेविंग एक किसी महीने ज्यादा हो गई, मतलब सोच के नहीं किया, वो अपने आप हो गए क्योंकि मैंने इंटेंशन बना ली थी कि घर लेना है और प्रेजेंट घर को मैं नेगेटिविटी देना बंद कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे जब घर देखने जाती थी मैं एप्लीकेशन देती थी, यहाँ पे तो घर ऐसे होता है कि एक दिन ओपन हाउस हुआ और 25-30 लोग एप्लीकेशन देते हैं, एक का एप्लीकेशन सेलेक्ट होता है जो सबसे हायर बिड किया है, तो हर जगह से रिजेक्ट हो रहा है घर। मैंने कहा जब घर लेना नहीं था तब तो घर बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे थे, अब घर लेना है तो एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो रही है, मतलब घर कैसे लेंगे। और फिर हमने कहा ये घर कैसे होगा, तो इतना ज्यादा कहीं पे भी आपको नेगेटिव इमोशन मिलने लगे तो क्या करना चाहिए, उस चीज को छोड़ देना चाहिए। तो मैं थोड़ा नेगेटिव हो रही थी तो मैंने उस चीज को सोचना छोड़ दिया, तो मैंने घर सोचना छोड़ दिया। बीच में दो प्रोसेस मैंने किए, एक दिन मैंने लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाए अपने प्रेजेंट घर का, दूसरे दिन मैंने लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बनाए कि मेरा घर होगा तो कितना अच्छा होगा, लाइक टाइप कि घर क्यों चाहिए, घर होना क्यों अच्छा है। तो अपना घर होता है तो यू फील सिक्योर, अपना घर होता है तो इंसान फ्रीली रह सकता है, अपना घर तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। अब यहाँ पे थोड़ा बैक में जाऊंगी, जब मैं इंडिया में थी और जब मेरे हस्बैंड अच्छा भगवान की दया से काम करते थे, हमारी जब बिजनेस चलते था काफी अच्छा, तो उस वक्त हम यूरोप गए थे और यूरोप में हमने एयरबीएनबी पे रुके थे जाके, तो उस यूरोप के एयरबीएनबी पे हमने एक बार डिसाइड किया था कि हम अपना जब इंडिया में घर बनाएंगे या हम कभी ऑस्ट्रेलिया गए, उस वक्त भी था कि बुढ़ापे में ऑस्ट्रेलिया जाएंगे क्योंकि तभी बिजनेस चलता था, तो हम एयरबीएनबी खोल सकते हैं, एयरबीएनबी बहुत अच्छा बिजनेस है घर के बीच में चलाने का। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ मैं बताऊंगी बाद में आप लोगों को। उसके बाद यूरोप में कुछ 6 साल पहले हमने सोचा था एयरबीएनबी खोलने का, वो हुआ नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं हम, ऑस्ट्रेलिया में पैसे जमा हो गए हैं, छोटे बाहर दूर के सबर्ब्स में जाके हम एप्लीकेशन दे रहे हैं बट वो हो नहीं रहा है। बीच में मैंने एक दिन लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स किया अपने प्रेजेंट घर का, एक दिन मैंने पेन से लिखा कि अपना घर होना क्यों अच्छा होता है, व्हाट इज द गुड क्वालिटीज ऑफ हैविंग योर ओन होम, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज, मतलब आपके घर अपना घर होने की अच्छी अच्छी क्वालिटीज क्या है, क्या फायदे हैं अपने घर होने के, मैंने वो लिख दिया और भूल गई। और एक दिन मैंने ड्रीम होम वाला अफर्मेशन सुना था, एक ही दिन सुना था, एक ही रात सुनी थी मैंने, उसके बाद दूसरे दिन मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने क्या किया, मैं हर रोज तो मनी अफर्मेशन सुनती हूँ, आप लोगों को पता ही है बॉब प्रॉक्टर का, जिसका हिंदी वर्जन मेरे चैनल पे है, सेम टू सेम वो मैं हर रात सुनती हूँ। उसके बाद मैंने छोड़ दिया इन सारी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दिया। 2 महीने हमने ओपन हाउसेस में गए, ढूंढा नहीं मिला, हमने छोड़ दिया ढूंढना।
और फिर हम, चूंकि मेरा जो घर है अभी प्रेजेंट जो किराए का घर है वो भी उसी सबर्ब में था, तो बीच के पास है, काफी वॉकिंग डिस्टेंस है. तो हम जब मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी जनरली शाम में वॉक करने जाते हैं बीच पे, तो मेरे हस्बैंड देख के बोलते थे कि कितना अच्छा होगा ना यहाँ पे ये वाला घर मिल जाए तो. और पुराने घर यहाँ पे बहुत सारे हैं, मतलब हमारे वो हेरिटेज लिस्टेड घर काफी सारे हैं. तो मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते कितना अच्छा होगा ना ये घर मुझे दे देगा तो, कितना अच्छा होगा. और हम फन के लिए करते थे, ऐसा नहीं था कि उनको कुछ अब्राहम हिक्स की प्रोसेस करनी है, वो ये सब चीज करते भी नहीं है, वो सिर्फ फन के लिए करते थे, मुझे चिढ़ाने के लिए कितना अच्छा होगा ना ये घर मिल जाएगा. तो मैं कहा तुम्हें तो दे ही रहा है, वो बोल रहा है भावेश ले जाओ, और कितना अच्छा होगा ना ये वाला घर हमें मिल जाएगा तो. और हम ऐसी सबब्स के घर देख के मस्ती करते हुए घर आ जाते थे. YouTube की वीडियो शूट करी थी, अब्राहम की जो वीडियो शूट करती है, नवंबर में शुरू कर दिया था मैंने. और मेरे हस्बैंड ने नॉक किया दरवाजा ये इसका कि चलो एक घर की लिस्टिंग आई है चलते हैं. मुझे मन नहीं था क्योंकि मुझे YouTube की वीडियो फिनिश करनी थी, बट फिर भी मैंने, पता है मुझे ना बोलती नहीं हो तो मैं हाँ बोलती, चलो चलते हैं. वहां गए हम घर के लिस्टिंग में, हमारी सबब में घर था, तो उस घर के जाके देखा तो जहाँ 25-25 लोगों की लाइन रहती थी उस घर में ओपन हाउस था और कोई भी नहीं आया था, एक बंदा और था और एक हम थे. हमें घर इतना पसंद आया क्योंकि जैसा हेरिटेज घर हमें चाहिए था वैसा ही हेरिटेज घर था जो मेरे हस्बैंड होते. और जब हमें लगा कि शायद महंगा होगा ये, काफी महंगा जाएगा, तो हमने ऐसी मस्ती में पूछ लिया एजेंट से कि ये कितने तक जाएगा, तो एजेंट ने जो रेंज बताई तो हम सुन के शॉक्ड हो गए कि इतना सस्ता कैसे बोल रहे, क्योंकि हेरिटेज था उसकी वैल्यूएशन नहीं निकल पा रही थी क्योंकि काफी पुराना घर था, तो उन लोगों को आइडिया नहीं था कि वो घर कितने में जाएगा, जबकि सबब काफी महंगा है यहाँ का. तो हमने ऑफर डाल दिया, बट यहाँ पे हमने ऑफर डालने के टाइम में मैंने, मुझे इम्पल्स आई और मैंने मतलब हस्बैंड को बोला कि उनको लेटर लिखो कि हमें ये घर क्यों चाहिए. और हमने एक बहुत प्यारा सा लेटर लिखा कि हमें उस घर की क्या क्या चीजें पसंद आई, उस घर की अच्छी अच्छी क्वालिटीज हमने लिखी कि मेरे हस्बैंड ने लिखी जो मकान के मालिक थे उनको कि इस घर में मैं अपनी बीवी के साथ बूढ़ा होता हुआ खुद को देख सकता हूँ, मैं अपनी बेटी को यहाँ बड़ा होता देख सकता हूँ, ये घर हमें इतना पसंद आया है कि मुझे देखते के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घर इट फील्स लाइक होम टू मी. तो एक प्यारा सा लेटर लिखा, वो लेटर शायद उन्होंने पढ़ा होगा और ऑफर देखा उन्होंने, थोड़ा टच हो गया देख के, लेकिन हमारे दूसरा इंसान था उसने हमसे ज्यादा का ऑफर दे दिया और हमारा ऑफर रिजेक्ट हो गया. मेरे हस्बैंड ने फोन किया ब्रोकर को, तो ब्रोकर ने बोला तुम्हारा ऑफर तो शायद नहीं होगा क्योंकि उससे ज्यादा का ऑफर आ गया है. हाँ, लेकिन उनका एक कंडीशन है कि वो कुछ इंस्पेक्शन करा के कराएंगे, तुमने इंस्पेक्शन का ऑफर दिया नहीं है. तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा और बढ़ा दिया पैसा कि ठीक है मैं इतना और दे दूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं होगा, बट मेरा एक है कि जो रजिस्ट्री होगी वो लेट होगी, फरवरी में होगी रजिस्ट्री. तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ऑफर देता हूँ, उन्होंने मकान मालिक को ऑफर दिया और चूंकि लेटर लिखा था और उनको काफी पॉजिटिविटी हमसे मिल रही थी, उन्होंने हमारा वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से वो घर हमें मिल गया. अब घर तो मिल गया और घर की बेस्ट पार्ट ये है, जो 6 साल पहले हमने एयरबीएनबी देखा था यूरोप में, ये घर ऐसा है कि सामने में घर है और हेरिटेज घर है. हेरिटेज मतलब काफी पुराना घर और इसका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उस घर का, तो वो हेरिटेज घर है आगे में और पीछे में इसका एक छोटा सा घर है जिसका एक सेपरेट एक्सिट और सेपरेट एंट्री है. तो हमारा जो एयरबीएनबी बनाने का सपना था वो उससे पूरा हो जा रहा है. तो हमें इस सबब में क्यों चाहिए था, क्योंकि मेरी बेटी को अपना स्कूल चेंज नहीं करना था, और जब भी हम घर जाते थे देखने के लिए तो मेरी बेटी कहती थी मम्मी आई डोंट वांट टू चेंज माय हाउस स्कूल, मुझे अपना स्कूल नहीं चेंज करना है, मुझे इसी स्कूल में रहना है. तो अगर इसी घर में रहना है छोटा ही सही, मैं इस घर में रहने को रेडी हूँ, बट स्कूल नहीं चेंज करना है. तो इसी सबब में मिल गया हमें, क्योंकि मेरी बेटी का को-क्रिएशन था. मेरे हस्बैंड को पुराने घर पसंद आते थे क्योंकि नया घर यहाँ पे बनती है लकड़ी की और बहुत कार्डबोर्ड टाइप की होती है, कुकी कटर जैसी सारी घर एक जैसी दिखती है,
पुराने घर में थोड़े ईटे के होते हैं घर, पुराने घर, और ब्रिक के घर होते हैं, और डिफरेंट एक उसका स्टाइल होता है. तो और जिस तरीके के हेरिटेज घर उनको पसंद आते थे, उनको वो मिल गया. मुझे जो यूरोप का बीएनबी पसंद आया था, वो फीचर उस घर में था. तो इसको कहते हैं को क्रिएशन एट इट बेस्ट. तीन जन ने मिलके एक घर का को क्रिएशन किया, जिसमें तीनों फीचर्स थे जो हमें चाहिए थे. बट ये मेरी उम्मीद से ज्यादा मिला मुझे, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस सबब में घर मिल जाएगा. तो जब आप अलाइन रहते हैं, जब आप अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, जब आप सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा मिलता है. अब्राहम बोलती है तुम्हारी बिलीफ पावर जितनी मिलती है. मेरे को नहीं बिलीव था यहाँ पे मुझे घर मिलेगा, बट मुझे बिलीव पावर से ज्यादा मिला, क्योंकि मेरी एनर्जी हमेशा अलाइनमेंट में रहती है. और फरवरी में मेरे घर की रजिस्ट्री हो गई और अब मेरे घर का रेनोवेशन चालू हो गया. थोड़े दिनों में मैं अपना एक छोटा सा प्यारा सा घर आप लोगों को शेयर करूंगी, बट अभी टाइम है, 2-3 महीने लगेंगे रेनोवेशन में, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो घर. तो ये था मेरे घर के मैनिफेस्टेशन की जर्नी, कि मैंने 2 साल में इतने कम पैसे लेके ऑस्ट्रेलिया आई थी और कैसे हो गया. तो मनी अफर्मेशन मैं रोज सुनती थी, क्योंकि घर चाहिए तो भाई पैसे तो चाहिए, बिना पैसे के तो घर होगा नहीं. तो मनी अफर्मेशन मैं रोज सुनती थी. जहां हूं उस घर को ब्लेस किया, उसको सजाया सवारा, ताकि इस उम्मीद में नहीं रहा कि तुम जो हो तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, जो नेक्स्ट आएगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. प्लस जिस घर को मैं देखने गई, उसके लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट एक लेटर के रूप में मैंने मकान मालिक को लिख दिया. वो एक प्रोसेस ही हो गया, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था कि मुझे मन था उनको लिखने का, क्योंकि उनका घर मुझे बहुत पसंद आया था. और जब रजिस्ट्री के बाद हम गए थे, तो जो ब्रोकर का असिस्टेंट था वो बोल रहा था कि आप लोग बहुत लकी थे, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं तब तक ऑफिस नहीं आ रहे थे. आपका कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हुआ, उनके ऑफिस, ढेर सारे ऑफिस के फोन आने लग गए. तो ये होता है यूनिवर्स का प्लान. अगर आपको घर दिलाना है उनको, तो वो पैसे भी इंतजाम कर देगा. और इस सबब में जो मिलियन डॉलर्स के घर होते हैं, मिलियन से ऊपर घर होता है, वहां पे मुझे मेरे बजट का घर मिल गया, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन नहीं हुई थी ठीक से. और जब मेरे बैंक ने वैल्यूएशन की, तो मेरी जो HFM थी, होम फाइनेंस मैनेजर, वो शॉक्ड थी कि उस रेट में मुझे घर उसे वैसे सबब में मिल गया. तो हर चीज पॉसिबल है, सिर्फ घर ही नहीं. अलाइनमेंट में रहिए, खुश रहिए. और जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं मैसेज कर करके मेरे चैनल पे कि मैम मैं फॉलो कर रही हूँ नहीं हो रहा है, ये कोई डाइट प्लान नहीं है कि आपको फॉलो करिएगा तो ही होगा. आप फॉलो कीजिए या नहीं कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. आप अगर उसको फॉलो कीजिएगा, रेगुलेट कीजिएगा, तो वो आपके मन के मुताबिक काम करेगा. लेकिन मेरे चैनल को खुले अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं ठीक से, और 3 महीने में आप लोगों को रिजल्ट चाहिए. तो उन लोगों के लिए मेरे पास छोटा सा मैसेज है. जब मैं अब्राहम फॉलो करने लगी थी, 3 महीने बाद मेरा कनाडा का PR रिजेक्ट हो गया था. बट मैंने उस रिजेक्शन को एक्सक्यूज नहीं बनाया अपने आप को अलाइनमेंट से बाहर निकालने का. और सिर्फ एक PR ही रिजेक्ट नहीं हुआ, तो उसके बाद और भी बहुत सारी कॉन्ट्रास्ट आए. बट मुझे ये समझ में आ गया था कि ये जो कॉन्ट्रास्ट आता है आपकी डिजायर बढ़ाने के लिए आता है. और जब कॉन्ट्रास्ट आता है तो मैं स्माइल करती हूँ और सोचती हूँ क्या सिखा रहा है ये, क्या सिखाना चाह रहा है मुझे. और आपको बताती हूँ कॉन्ट्रास्ट से कैसे सीख लेते हैं. जैसे मेरा पहला ऑफर उन्होंने रिजेक्ट किया, तो उसके पीछे क्या कॉन्ट्रास्ट सिखाना चाह रहा था वो बताती हूँ आपको. जब मैंने पहला ऑफर उनको दिया था, तो मैंने कम पैसे का दिया था, बट सेटलमेंट मैंने उनको दिसंबर का दिया था. बट मेरे बैंक में रूल है कि आपको 6 महीने उस बैंक की एम्प्लॉय रहनी पड़ेगी, तो ही आपको एम्प्लॉय बेनिफिट मिलती है. मेरे हस्बैंड तो पहले से थे, बट मैं बैंक में 6 महीने नौकरी नहीं की थी. मेरा 6ठा महीना पूरा होता जनवरी में,
पहला ऑफर रिजेक्ट हुआ, अब मैं रोई नहीं, मैं घबराई नहीं. मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई रिजेक्ट हो गया. एक दिन बाद हमें पता चला कि एक्सेप्ट हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उनको एक एडिशनल ऑफर दे दिया पैसे बढ़ा के. बट दूसरा क्या ऑप्शन दिया उनको कि पैसे तो मैं बढ़ा दूंगा बट मैं फेब्रवरी में सेटलमेंट करूंगा. हस्बैंड को नहीं पता था कि ये 6 महीने वाला रूल है, ना मुझे पता था. हम तो ऐसे ही खरीदने में लगे हुए थे, कंडीशन तो पता ही नहीं थी. बट यूनिवर्स को कंडीशन पता थी, तो यूनिवर्स ने कैसे कॉन्ट्रास्ट दिया देखिए. उन्होंने पहला ऑफर रिजेक्ट किया, हमने थोड़े से डॉलर वैल्यू बढ़ा दिए, तो वो डॉलर वैल्यू को एक्सेप्ट करके हमारे लिए मंथ बढ़ा दिया ताकि मेरा लोन अप्रूव हो जाए. वरना अगर वो मेरा पहला एक्सेप्ट भी कर लेते तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मेरा लोन अप्रूव नहीं होता, तो फिर क्या होता. तो कभी भी कॉन्ट्रास्ट आए तो उससे सोचिए क्या सिखा रहा है. मेरी 26 जनवरी को 6 महीने मेरे पूरे होते हैं और मेरा सेटलमेंट का डेट रखाया गया था 7 फरवरी. तो आप सोचिए कॉन्ट्रास्ट क्या सिखाना चाह रहा है. सोचिए और समझिए और कॉन्ट्रास्ट से प्यार कीजिए. क्योंकि बहुत अलग सी बात बता रही हूँ, बट कॉन्ट्रास्ट से जब आप प्यार कीजिएगा तो कॉन्ट्रास्ट आपको आपके डिजायर तक पहुंचा देगा. कनाडा हमारी डिजायर कभी थी नहीं, कनाडा हमेशा से एक कॉम्प्रोमाइज था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पा रहा था. तो कनाडा रिजेक्ट हो गया बट कॉन्ट्रास्ट से घबराई नहीं तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी आ गया. तो ये है मेरी थोड़ी लंबी सी वीडियो, बट समझिए कि 3 महीने हुए आप लोगों को मेरे चैनल में आए हुए, अभी इतनी जल्दी घबरा के जो ये मैसेजेस करते हैं तो जो पॉजिटिव हैं उनको भी आप नीचे पुल कर रहे हैं अपने साथ. तो ऐसे मैसेजेस ट्राई कीजिए अवॉइड करने का और अपने आप को कहिए आप भले 10 साल से फॉलो कर रही हो बट सही तरीके से फॉलो करने में अभी आपको सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं. आप लोग टोने टोटके में लगे थे, प्रोसेसेस में लगे थे, मेंटल वर्क करना अभी शुरू किया है आप लोगों ने. तो खुद को बोलिए 3 महीने हुए हैं, बेबी स्टेप लेने बोलती है रेवती. तो फॉलो कीजिए और देखिए कैसे नहीं लाइफ बदलेगी आपकी, 100% लाइफ बदलने वाली है. ठीक है, तो अब ये वीडियो मैं यहाँ तो बंद कर रही हूँ. उसके बाद मैंने पर्सनल सेशन की बुकिंग के इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, वो मैं ऐड करूंगी. और नेक्स्ट वीक की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो नेक्स्ट वेंसडे की वीडियो का वेट कीजिएगा. मैं उसमें एक छोटी सी एक अमेजिंग इंसान की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और उससे रिलेटेड एक और मजेदार बात बताने वाली हूँ. ठीक है, सो फॉर पर्सनल सेशन आप यहाँ जा सकते हैं मेरे वेबसाइट पे. ये पूरा प्रोसेस है, क्या क्लिक करना है, कैसे आप देखिएगा कि पिंक डॉट अवेलेबल डेट है उस पे आप क्लिक कीजिएगा, कैसे फिल कीजिएगा, कैसे आप बुक कीजिएगा. ये पूरा स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट है, इसे देख के आप पर्सनल सेशन भी बुक कर सकते हैं. बट मेक श्योर डेट देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, सूटेबल लग रहा है या नहीं.